क्वेश्चन गेट 2004 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप है, क्लियर और प्रीसेट दे रखा है यहाँ पे, और एक एंड गेट है जहाँ पे आउटपुट लेना होता है। क्लॉक की कहानी कुछ ऐसे दे रखी है यहाँ पर, और इस क्लॉक के साथ आपको अपने आप समझ आएगी कि जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए। हालांकि लोग लड़ाई कहाँ किस जगह पर क्लॉक के अकॉर्डिंग, वैसे सबसे अच्छा असर होता है क्लॉक के अकॉर्डिंग अपन सारी वे फॉर्म जनरेट करे तो, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग तरह की क्लॉक पे वे फॉर्म जनरेट हो सकती है यहाँ पे आउटपुट को, तो एक बार बना के देखते हैं कि आउटपुट क्या आना चाहिए। तो देखते हैं फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी लगभग मैच कर रही है उससे। अगर क्लॉक ये है तो कहानी सिर्फ ये है कि हमको इस क्लॉक के अकॉर्डिंग, ये क्लॉक जेके फ्लिप में आती है नेगेटिव एज के साथ, तो नेगेटिव एज जाननी है। ये सब नेगेटिव एज है यहाँ पर, और इस जेके फ्लिप फ्लॉप को हमेशा टॉगल करना है। इसका जो आंसर है इसका नाम हम क्या रखें, इसका नाम हम रख देते हैं क्यू ही, तो यहाँ पे क्यू नाम रख देते हैं। अब हमको पता है कि इस क्यू का आंसर है, अगर लेट सपोज स्टार्टिंग में 0 था तो इसको हर बार टॉगल करना है, तो 0 से क्या हो जाएगा ये 1, फिर 1 के वापस क्या हो जाएगा 0, फिर ये वापस 1, फिर ये 0, फिर ये 1, और ये क्यू इस तरह से आंसर देता रहेगा। तो फाइनली जो आंसर है मैं नीचे लिख बना रहा हूँ उसका वाई या आउटपुट जो भी आप बोल रहे हो उसको, वो क्या आंसर है, वो इन दोनों का आपका एंड गेट का है, एंड प्रोडक्ट का आंसर है। तो देखिए एंड गेट का आंसर क्या आएगा, यहाँ तक 1 × 0 0 है, फिर 0 × 1 भी 0 है, लेकिन ये 1 × 1 क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 बनेगा, कहाँ से कहाँ तक सिर्फ इतना सा, ये 1 बन गया, फिर वापस सब कुछ 0, फिर क्योंकि आपको पता है एंड गेट कर रहे हैं आप किसका, क्यू और क्लॉक का, क्यू और क्लॉक का कर रहे हैं, तो 1 × 1 कहाँ मिल रहा है अगली बार सर, 1 × 1 यहाँ मिल रहा है। तो ये इस तरह से आपको वेवफॉर्म मिलनी चाहिए, और ये वेवफॉर्म आपको कहाँ मिल रही है, बॉम्बे में, आराम से दूर दूर जब आपको दिख रही है, पहले इतने टाइम तक 0 फिर 1, फिर इतने टाइम तक 0 फिर 1, ये पहले स्टार्टिंग में 1 हो गया, तो बस ये ध्यान से देखना बी और डी में डिफरेंस ये कि बी आपका राइट आंसर होगा, बहुत देर तक 0 इसके बाद फिर 1 आता है, फिर बहुत देर तक 0 फिर 1 आता है, तो इस तरह से आंसर बनेगा। और ये समझा भी रखा है आपको यहाँ पर, बहुत सीधी तरह समझा रखा है कि जो आपका ए बोल रखा है इसने आउटपुट को, जो क्यू का आउटपुट है उसको इसने ए बोल रखा है, तो जो ए बोले या क्यू बोले वो जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो यहाँ पे उसका काम है टॉगल करते रहना हमेशा, जैसे क्लॉक आएगी तो 0 को 1 कर देगा, फिर क्लॉक आएगी तो 1 को 0 कर देगा, फिर क्लॉक आएगी तो 0 को 1 कर देगा, फिर क्लॉक आएगी तो 1 को 0 कर देगा, ये टॉगल मोड में है, जो क्लॉक मिलते ही हमेशा टॉगल करता है, और क्लॉक और उसका आउटपुट को मिला के एंड गेट से आंसर निकालना है, तो फाइनल आउटपुट ये आएगा। तो एंड गेट जो लगा हुआ है इन दोनों का एंड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है जहाँ जहाँ 1 × 1 होगा वो 1 दे देगा, बाकी सब जगह 0 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बॉम्बे इस तरह से आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.